Hello my dear students, welcome once again in my channel. As you all know, nowadays we are discussing all the topics which are related to class 10th biology. So this video series is basically for class 10th students. So my today's topic of discussion is diffusion. This topic is very important for your board exams. Okay, so students, please try to focus on concepts. So I am going to tell you about the basics. Here there will be, this is a very important process, first point I want to discuss. And here the molecules of gas, jitne bhi molecules honge gases ke ya fir solute ke, molecules of gases or solute, aap dono hi likh sakte hain yahan pe point. Yahan pe inka movement hoga, molecules of gases and solute moves. कहां से कहां मूव करेंगे? मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे. और ये कैसे जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट. अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट कौन सा नया टॉपिक है. तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी क्लियर करने वाली हूँ कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट बहुत ही ईजी टॉपिक है. डिफ्यूजन ग्रेडियंट, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं. डिफ्यूजन तो एक प्रोसेस होगी जहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर. ग्रेडियंट का माने जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. पहली बात आपको मैं एक बात यहाँ पे और बता दूं कि जो डिफ्यूजन है एक रेंडम प्रोसेस है. देयर विल बी मॉलिक्यूल्स मूवमेंट बट इन रेंडमली रेंडम डायरेक्शन. एंड देयर इज अगर हम लोग डिफ्यूजन ग्रेडियंट की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर विल बी अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. सपोज पहले कुछ कंसंट्रेशन था, बाद में फाइनल कंसंट्रेशन कुछ हो गया. सपोज मान लो मैं कंसंट्रेशन C1 की बात करूं और डिफ्यूजन होने के बाद C2 हो गया, तो जो C2 माइनस C1 है वो उसका डिफ्यूजन ग्रेडियंट है. और ये मॉलिक्यूल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा, यूनिफॉर्म या फिर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में, जब तक कि ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट खत्म नहीं हो जाता है. जब तक डिफ्यूजन ग्रेडियंट रहेगा तब तक मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते रहे. एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस के लिए, इसलिए बहुत ही फ्रीली ये डिफ्यूज करती रहती है. और आप एक नोट में ये पॉइंट लिख सकते हैं. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर फॉर दिस. यू कैन राइट वन मोर पॉइंट इन नोट कि जो डिफ्यूजन का रेट है, डिफ्यूजन रेट इन गैसेस इज मोर देन डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. दिस इज डी. ओके, जो डिफ्यूजन गैसेस में होगा वो रैपिडली होगा एज कंपेयर टू डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में, मीन्स अगर हम लोग बात करें डेल्टा सी की, C2 माइनस C1, जितना डेल्टा सी ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मोर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन्स मैं आपको इस पॉइंट को फिर से क्लियर कर दूं, अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब जो इनमें डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो देयर विल बी मोर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. और यू कैन से रैपिड मूवमेंट, यू कैन राइट हियर रैपिड मूवमेंट. और जब इनमें फर्दर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाएगा तो यहाँ पे व्हेन नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस कंडीशन में हम लोग एक स्टेट अचीव करेंगे और उस स्टेट को बोलेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसका मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपको ये बता रहा है कि अब मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से डिफ्यूज हो चुके हैं. यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नाउ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब इनमें और रैंडम मूवमेंट नहीं होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब मैं आपको यहाँ पे डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ. आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जो वाटर वेपर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर लॉस या वाटर वेपर का लॉस लीव से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है. मैंने ओवरव्यू में आपको बताया भी था
जो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट हो रहा है और जो इनटेक हो रहा है, जो लीव्स इनटेक कर रही है, इनटेक ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इनटेक ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लीव्स, जो भी CO2 एटमॉस्फेयर में लीव्स के में पहुंच रही है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस भी किसके थ्रू होने वाला है? डिफ्यूजन के थ्रू होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना के दिखाते हैं, जिससे कि एक एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जिसके थ्रू आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सपोज मैंने एक यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है और उस बीकर के अंदर मैं बहुत सारा वॉटर लेने वाली हूँ इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे मैं एक कॉपर सल्फेट का कोई मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, सपोज दिस इज CuSO4 क्रिस्टल। इस तरीके से यहाँ पे रेंडम मूवमेंट होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं CuSO4 मॉलिक्यूल्स, कॉपर सल्फेट। और आपको पता है ये जो मैंने पर्पल कलर से यूज करा हुआ है, इसका नाम क्या है? वॉटर। दीज आर द वॉटर मॉलिक्यूल्स, सो यू कैन राइट हियर वॉटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगे, मैं यहाँ पे एक दूसरा पिक्चर बना देती हूँ, इस पिक्चर के बाद ये वाला पिक्चर आने वाला है कि क्या हो रहा है। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे पर्पल कलर से जो मैंने बनाया हुआ, और रेड कलर से मैंने क्या बनाया? कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल। तो कॉपर सल्फेट जो है वो पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे मॉलिक्यूल्स का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। आप देख रहे हैं जो कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल है, हालांकि होता तो ये ब्लू कलर का है, बट मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज कर लिया है, ओरिजिनल जो है ब्लू कलर का होगा। तो यहाँ पे डिफ्यूजन वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेंगे, ताकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा कलर होगा, सपोज यहाँ पे वाटर था पहले, तो इस वाटर की वजह से इसका यहाँ पे कोई कलर नहीं रहा होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डाला कॉपर सल्फेट का, ठीक है, सपोज ये मैंने यहाँ रेड यूज करा, हालांकि ब्लू होगा। तो जब वाटर में हम ब्लू डालेंगे तो ये धीरे धीरे करके पूरे वाटर कंटेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और पूरे के पूरे बीकर में जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट का लाइट ब्लू कलर मिलेगा पूरे सॉल्यूशन का। इससे पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, और ये बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने डिफ्यूजन पे बनाया है, जो कि क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, और भी हायर क्लासेस के लिए अगर किसी को बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड लाइकिंग माई वीडियोज। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई होप वी विल मीट सून। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।